हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। इसमें इसने वैल्यू दे रखी है कुछ, और ये क्वेश्चन है हमारा। इन द गिवन फिगर फाइंड टेंजेंट बी माइनस कोट आर। तो हमें टेंजेंट बी एंड कोट आर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या फिगर पे पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, क्यों जो फाइंड पे वैल्यू लिख देते हैं क्यों आर फाइंड करना। तो इसको कैसे करेंगे, बाय पीडीएम यानी पाइथागोरस का शॉर्टकट तरीका है। बच्चे बोलते हैं कि सर पाइथागोरस की पीडी लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एच हाइपोटेन्यूज, उसके बाद परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो इसमें एच क्या हमारा पी आर, इसका होल स्क्वायर परपेंडिकुलर अब क्या करते हैं, 13 का स्केयर कितना होता है 169 और 12 का 144 प्लस क्यों आर स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो ये प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यों आर स्क्वायर। तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 52, कितना आ गया 25 क्यों आर। अब हमें सिर्फ क्यों आर चाहिए, तो इसके लिए दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, रूट इसे रूट कट गया और इसका रूट कितना गया 5। तो क्यों आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ चुकी है 12, 5 और 13। अब टेंजेंट पी माइनस कोट आर बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करना हमें। अब हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ही लिख दिया साइड में ताकि याद रहे। अब टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, पी बाय पी क्या होती है, पी बाय पी ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा का। लेकिन इसे क्या दे रखा है कि टेंजेंट पी है। अब ये हमारा एंगल यहां पे है, तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 5 और बेस क्या होगा हमारा 2, इसके साथ में होता है 12। ठीक है बेटा, अब कोट आर, कोट आर कोट की वैल्यू क्या होती है, उसको पलट देते हैं बी बाय पी, ये हमारी कोट थीटा की वैल्यू होती है, कोट थीटा आर। अब इसमें देखो आर ये है, अब इसके सामने वाला ये क्या होगा, इसमें सिर्फ यही बात ध्यान देने की है कि जब भी एंगल में पूछा जाता है ये चीज देखने की होती है, और उसके सामने जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, ये चीज नहीं देखते, रिपोर्ट में बी बाय पी लगा और यहाँ पे 5 कर दिया, नहीं गलत हो जाएगा। उसने इसी को क्या कर दिया कि भाई कोट आर है, ये एंगल नहीं है कोट आर है, तो सामने क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा 5, तो 5 अपॉन परपेंडिकुलर 12 बस सी माइनस हो गए यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0 फिनिश। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरा करके भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे 12 यहाँ पे 5 माइनस कितना हो गया 5 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 12, और क्या होती है वैल्यू हमेशा 0, तो हमारी इनकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो बेटा इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अगर हम अच्छे से करना सीख जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।